नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वो जो रेड वाला बटन दिखा है उस पर क्लिक कर दें और जो उसके बाद घंटी का बटन दिख रहा है उसको भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने यहां तक पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक पढ़ा था। अब ये क्या होता है एक मिनट में बस इतना रिवाइज कर देते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी के स्थल मंडल का, कि पृथ्वी का स्थल कैसा है। अब देखिए, पृथ्वी के स्थल जब हम देखेंगे तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थल स्वरूप है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं झरना है। ये सब स्थल स्वरूप जो है ये इनका कारण क्या है, कहां से आए हैं, ये कैसे बने हैं, तो इसके लिए हमने कारण जब खोजा तो पता चला कि अगर इस तरह के स्थल स्वरूप हैं तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, पृथ्वी की सतह में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, तभी ये स्थल बने हैं। अब हम पता करते हैं कि जो पृथ्वी की सतह का जो परिवर्तनशील है, इसे हम बोलते हैं भूसंचलन, ये परिवर्तनशील होने का कारण क्या है। तब पता चला कि कोई ना कोई बल जरूर है जिससे पृथ्वी परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने के कारण ये विभिन्न स्थल स्वरूप बने हैं। अब हमने देखा है कि ये बल क्या है, तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात बल इंडोजेनेटिक फोर्स, एक बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्स। चलिए अब आज देखते हैं कि ये अंतर्जात बल क्या होता है, फिर इसके बाद हम बहिर्जात बल देखें। तो आज के वीडियो में हम यहां से शुरू करते हैं। अंतर्जात बल क्या होता है, इंडोजेनेटिक फोर्स। तो अंतर्जात बल है कि पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी की सतह पे खड़े हैं, अब सतह के जो अंदर बल लगता है उसे हम बोलते हैं अंतर्जात बल, मतलब पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो बल लगता है बल, उसे हम बोलते हैं अंतर्जात बल। अब हमको समझना होगा कि पृथ्वी की आंतरिक परतें क्या है, तब हम उस पर लगने वाले बल को समझेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखते हैं कि पृथ्वी, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, हम लोग सतह पे हैं, इसके यहां पे है सतह पे है सब लोग। अब हमको ये देखना है कि इसके अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर, तभी पता चलेगा कि अंदर जो बल लग रहा है उससे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अंदर बल, अंदर की परतों में क्या है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये इसका केंद्र है पृथ्वी का, मान लीजिए, तो हम इसका एक पीस काट लेते हैं जिससे हमको इसके अंदर क्या है वो समझ में आए। हमने ये पृथ्वी का एक पीस काट लिया, इतना हम सतह से लेके केंद्र तक का अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए हमको इतना पीस चाहिए, ये टुकड़ा हम बाहर कर लेंगे। अब उसी पे अध्ययन करेंगे कि अंदर की परतें कैसी हैं, ठोस है या द्रव में है या किस प्रकार की परतें हैं। देखिए, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम एक टुकड़ा, एक पीस इसका निकालते हैं अंदर से, वह परत मतलब इसकी सतह से लेके इसके कोर तक का एक हम ये पीस निकालते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि आंतरिक संरचना इसकी कैसी है। तो देखिए, हमने ये एक पीस निकाल लिया है, ये है वो सबसे ऊपरी पार्ट जो इसका है, यहां जो सबसे ऊपरी पार्ट है जिसपे हम लोग हैं, यहां पे हम लोग से नीचे लगभग 30 किलोमीटर, ये कहते हैं इसको क्रस्ट, और ये इसको सियाल बोलते हैं, मतलब ये सियाल का बना। अगर हम रासायनिक संरचना के आधार पर बात करेंगे तो ये निकलता है कि सियाल सीमा निफे बना है, मतलब क्रस्ट मेंटल कोर, यहां सतह से लेकर और केंद्र तक इसके कोर तक तीन भाग में इसकी लेयरें, तीन प्रकार की लेयर है। पहले को हम बोलते हैं एक क्रस्ट, दूसरे को मेंटल और तीसरे को कोर। क्रस्ट बना हुआ है हमारा सियाल का, सिलिका एल्यूमिनियम का, और मेंटल बना हुआ हमारा सिलिका मैग्नीशियम का, और कोर बना हुआ है हमारा निकिल और फेरस का, मतलब लोहा आयरन का। देखिए, ये जो हमारा चित्र है ये वही है, बस ये रासायनिक संरचना के आधार पर बताया गया है। अब इसको देखिए, क्रस्ट हमारी है ये, जैसे यहां क्रस्ट थी, अब क्रस्ट के बाद आती है मेंटल। अब क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों को अलग करने के लिए भाई एक एरिया होगा, कोई क्षेत्र होगा जहां से दोनों अलग हो रहे, पता होगा कि ये, अच्छा ये लाइन है, इसके ऊपर क्रस्ट होगा, इसके नीचे मेंटल होगा, तो उस लाइन को हम बोलते हैं मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो असाध्य, ये है वो लाइन, मतलब क्रस्ट
ये पूरी क्रस्ट है हमारी। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो परत है उसे हम बोलते हैं मोह असंबद्धता। इसी प्रकार से ये मेंटल है, मेंटल को जो कोर से अलग करने वाली लेयर है जो परत है, इस परत के ऊपर का भाग है मेंटल और नीचे का भाग है कोर, तो इन दोनों को मेंटल और कोर को अलग करने वाली लेयर का नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। देखिए क्रस्ट के फिर दो पार्ट है, क्रस्ट में क्या है, एक ऊपरी क्रस्ट है एक नीचे, मतलब एक अपर क्रस्ट है एक लोअर क्रस्ट है। अब अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट और ये अपर मेंटल लोअर मेंटल, इसको इसका डिवीजन क्यों किया गया है, तो घनत्व के आधार पर, कि यहाँ का घनत्व तो अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, इस एरिया का घनत्व अलग है, तो घनत्व के आधार पर डिवीजन किया गया है। अब देखिए क्रस्ट के दो पार्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब इसको कौन डिवाइड करेगा, ये एक लेयर है जिससे पता चलेगा कि ये ऊपरी क्रस्ट है ये निचली क्रस्ट है, तो ये है कोनरड डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार मेंटल को दो भाग में डिवाइड करने वाले को बोलते हैं हम रिपटी, और कोर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लेयर को हम बोलते हैं लेमन। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते तो हम इसको याद करने की एक ट्रिक आपको बताते हैं कैसे याद करेंगे आप। देखिए आपको ये तो पता है कि पृथ्वी पे सतह से लेकर केंद्र तक तीन पार्ट है, एक है क्रस्ट, एक मेंटल, एक है कोर। तो हमने लिख लिया क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। अब देखिए क्रस्ट और मेंटल को कौन डिवाइड कर रहा है, तो मोह। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन डिवाइड कर रहा है, तो मोह। मेंटल और कोर को कौन डिवाइड कर रहा है, गुटेनबर्ग। अब क्रस्ट के दो पार्ट कौन कर रहा है, वो है कोनरड। तो क्रस्ट के दो पार्ट कर रहा है कोनरड, मोह के दो पार्ट कर रहा है रिपटी, और कोर के दो पार्ट कर रहा है लेमन। तो आप इसको 20 बार लिखेंगे अगर, तो आपको ये चीजें याद, ये चित्र अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन, अभी हमने देखा था कि ये हमारी पृथ्वी का हमने एक पार्ट लिया था उसको समझा था, तो ये इसके संबंध में जो अध्ययन किए गए वो देखिए, एक है घनत्व पे आधारित अध्ययन, एक तापमान पे, दाब पे, भूकंप शास्त्र। देखिए घनत्व पर अध्ययन क्या है, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है इतना, और क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है, तो इतना है। अब आप देखिए पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, इतना है, पूरे इतने का मान लीजिए औसत घनत्व, ये जो हम लेयर निकाले थे इसका औसत घनत्व अगर हम इतना है, और सिर्फ इस क्रस्ट का, ये क्रस्ट का औसत घनत्व इतना है, तो इसका मतलब है कि अगर इसका औसत घनत्व कम है तो नीचे की परतों के जाने पर जरूर औसत घनत्व में वृद्धि हुई होगी, तभी तो क्रस्ट के औसत घनत्व से पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व अधिक है। अब देखिए आंतरिक परतों में, आंतरिक परतों का घनत्व अधिक है, इसके भी दो मत हैं। प्रथम मत वाले कहते हैं कि रासायनिक संरचना और संगठन समान है, इनका मानना है कि पृथ्वी जो अंदर की परतें हैं वो जिन चीजों से बनी है, अंदर की परतें इसकी जो है वो जिन चीजों से बनी है उनका रासायनिक संरचना और संगठन समान है, वो सेम चीजों से बनी हुई परतें हैं। अब देखिए घनत्व क्या है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये इनका कहना है कि ये समान है का मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, मास हो जाएगा यहां पे कांस्टेंट, तब क्या होगा, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये एक रिलेशन देखिए, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो प्रेशर है वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब नीचे की परतों में जाने पर प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी यानी घनत्व तो हमारा बढ़ रहा है। ये इनका प्रथम मत वालों का ये बोलना है। दूसरे मत वालों का कहना है कि अंदर की परतों में के रासायनिक संरचना और संगठन असमान है, मतलब जो अंदर की परतें जिन पदार्थों से बनी हुई है वो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, और तो इसमें देखिए हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसमें इनका कहने का आशय ये है कि अंदर की परतों में, मतलब अंदर की परतें जिन पदार्थों से बनी है उन पदार्थों का ही घनत्व अधिक है, उनका भार अधिक है, यदि उनका जब भार अधिक है तो इस वजह से अंदर के परतों का घनत्व भी अधिक है। तापमान पर आधारित अध्ययन क्या है, इसमें यह कहा गया है कि देखिए पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे तो 8 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पे 8 किलोमीटर पर तक 32 मीटर
प्रति 32 मीटर यानी 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। ये 8 किलोमीटर तक है और उसके बाद फिर टेम्परेचर कम होने लगता है। दाब क्या कहता है? दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के अंदर की परतों में दाब की अधिकता के कारण ही घनत्व अधिक है। यहाँ ये तीनों फेल हो जाते हैं, घनत्व, तापमान और दाब, इन तीनों पर आधारित अध्ययन से कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता। तब आती है बारी भूकंप शास्त्र की। अब भूकंप पर आधारित अध्ययन किए जाएंगे, तब चलिए देखते हैं कि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन क्या कहता है। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, अब देखिए ये हमारी है पृथ्वी, पृथ्वी पर भूकंप क्या है? तो हम तो सतह पर रहते हैं, यहाँ पे जब भूकंप कहीं भूकंप न पृथ्वी के अंदर सतह पे हम लोग हैं, अंदर भाग में कोई फॉल्ट होती है, वो आगे देखेंगे किस वजह से भूकंप आते हैं। तो मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर की परतों में कोई फॉल्ट हुई जिस वजह से तरंग निकली। भूकंप क्या है? भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। तो एक तरंग निकलेगी पृथ्वी के अंदर से, वो सतह पे आएगी, तो अंदर कहीं फॉल्ट होती है, वो सतह पर वो तरंग जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है, मतलब अंदर से जो तरंग निकली वो पृथ्वी की सतह पे जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचेगी उस स्थान को हम बोलते हैं अधिकेंद्र या इपिसेंटर, जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर जहां सर्वप्रथम कंपन महसूस किया जाता है उसे हम बोलते हैं इपिसेंटर। अब देखिए भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है, कणों के कंपन के कारण ऊर्जा के स्थानांतरण को तरंग कहते हैं। देखिए तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक तो मान लीजिए कि ये आपकी तरंग है, ये आपकी तरंग है जा रही है, ठीक है, ये तरंग की दिशा है, ये तरंग इधर जा रही है, कणों का जो कंपन होगा वो तरंग की दिशा के समानांतर है। जैसे ये मान लीजिए कणों का कंपन, क्या ये कण है हमारी, ये कणों का कंपन हो रहा है, ऐसे ऐसे कण कंपन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कण कंपन कर रहे हैं, तो तरंग की दिशा अगर इधर जा रही है और कणों के कंपन भी इस तरह हो रहा है तो मतलब कि कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर है। इस प्रकार की जो तरंग होती है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग। जैसे हमारी जो ध्वनि तरंग है वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, दूसरे प्रकार की जो आपकी तरंग है वो देखिए, जब हमारी ये तरंग की दिशा है हमारी इधर तरंग जा रही है और कणों का कंपन आपकी बात इधर इधर नहीं है, कणों का कंपन इस तरंग की दिशा के उल्टा है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कंपन करते हुए तरंग जा तो आगे ही रही है, तरंग कण जा कण का कणों का मूवमेंट आगे हो रहा है लेकिन ये इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ऊपर ऊपर होते हुए आगे जा रहे हैं। तो इस तरह के जब कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है तो हम इसे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं या अनुप्रस्थ तरंग। जैसे जल तरंग, तालाब है या कहीं पानी है उसमें थोड़ा सा आप पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो देखिए वो तरंग निकलती है, उसी को हम बोलते हैं तरंग, लेकिन वो तरंग ऐसे ऐसे करके चलती है, मतलब वो जा तो रही है आगे मूव हो रही है लेकिन कणों का कंपन चूंकि ट्रांसवर्स पोजिशन में है, ऊपर नीचे है, देखिए कणों का कंपन क्या है, लंबवत है, कणों का कंपन तरंग के पानी में लंबवत होता है, इसलिए इस तरह से आपको दिखाई देगी जल तरंग। भूकंपीय तरंगे, देखिए भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, एक है आपकी पी वेव, एक एस वेव, एक एल वेव। पी प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, अभी हमने देखा था ना लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। एल वेव सरफेस वेव होती है, एस वेव सेकेंडरी वेव कहलाती है। पी वेव की तीव्रता सबसे कम होती है और इनकी गति सबसे अधिक होती है, इनकी इंटेंसिटी सबसे कम एंड स्पीड सबसे अधिक, और एस वेव जो है उनकी तीव्रता पी से अधिक होती है लेकिन गति जो है पी से कम होती है। एल वेव की तीव्रता सबसे अधिक होती है और गति सबसे कम होती है। जो आपकी पी और एस वेव है इनको हम बॉडी वेव या पिंड तरंग कहते हैं। चलिए देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों का मार्ग वक्राकार क्यों होता है। ये भूकंपीय तरंगों का मार्ग जो है वक्राकार क्यों है, देखिए जो भूकंपीय तरंगे हैं वो पी एस और एल वेव के रूप में उत्पन्न होती हैं, जिसमें से जो आपकी ये दो वेव है जिन्हें हम पिंड तरंग या बॉडी वेव बोलते हैं, पी और एस तरंग, ये सरफेस के अंदर चलती हैं और जो आपकी एल तरंग है ये हमारी पृथ्वी की सरफेस पर चलती है। देखिए जो सबसे पहले फैक्ट देख लीजिए क्या है कि भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो पदार्थ के घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा
वैसे वैसे भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ से पी और एस वेव चली है, अब पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर अगर इनकी स्पीड में वृद्धि होती है, मतलब इनकी अगर गति में वृद्धि होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर अंदर के पदार्थ का घनत्व तो अधिक है। तो जब ये पी और एस वेव अंदर चलती है तो इनकी गति में वृद्धि होती है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अंदर के पदार्थ जो है वो उनका घनत्व तो अधिक है। दूसरा, पी जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है, एस तरंग जो है वो केवल ठोस में चलती है। भूकंपी तरंगों की गति अंदर बढ़ती जाती है। देखिए, भूकंपी तरंगों की गति अंदर बढ़ेगी, इसका मतलब यह हुआ कि अंदर की परतों का घनत्व ऊपर की परतों से अधिक है। अब देखिए, ये आपकी पी और एस वेव आ रही है, ये आपका छाया क्षेत्र क्या है, तो इस चित्र को समझिए। ये है आपका आउटर कोर, ये है आपका इनर कोर, ये बाह्य कोर है, ये आंतरिक कोर है। तो ये एरिया जो आपका बाहर है ये बाह्य कोर है, और जो ये आपका ब्लैक कलर से दिख रहा एरिया ये आपका इनर कोर है, ये आंतरिक कोर है। पी और एस वेव जो होती हैं वो इस एरिया में नहीं दिखाई देगी। जिस एरिया में पी पहले तो यहां से चल रही थी, अब वो क्षेत्र जहां पर पी और एस दोनों तरंगों का प्रभाव नहीं दिखता है वो क्षेत्र को हम बोलते हैं छाया क्षेत्र। अब देखिए, ये आपका एरिया जहां पर छाया क्षेत्र है, इसके बाद यहां पर सिर्फ आपकी पी तरंगें दिखती हैं, एस तरंग विलुप्त हो गई। यहां तक तो दोनों तरंगें थी, पी और एस दोनों तरंगें थी, लेकिन छाया क्षेत्र में आकर एस तरंगें विलुप्त हो गई। विलुप्त होने का तात्पर्य क्या निकला कि एस तरंगें केवल ठोस में चलती है। इस एरिया में एस तरंगें विलुप्त हो गई, इधर नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यह निकला कि यहां पर जरूर ठोस के अतिरिक्त कुछ है। इसका मतलब यहां पे कुछ लिक्विड लेयर होगी, जरूर कुछ ना कुछ तरल अवस्था में होगा पदार्थ। अभी ये आपकी एस तरंगे विलुप्त हो गई, क्योंकि अगर पूरा ठोस होता तो एस तरंगे विलुप्त नहीं होती। अब पी तरंगे चूंकि तीनों माध्यम में चल सकते हैं, इसीलिए पी तरंगे इस तरल माध्यम से भी बाहर आ गई। अब देखिए, जब पी और एस तरंगे क्रस्ट से चलती हैं तो ये आपके गुटेनबर्ग असाते हैं, जो मेंटल और कोर को अलग करता है ये गुटेनबर्ग असाते। यहां तक तो दोनों तरंगे दिखती हैं, इसके बाद में इस एरिया में आकर जिसे हम बोलते हैं अपर कोर या आउटर कोर, इस एरिया में आपकी एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। और जैसे ही आप इस एरिया में आते हैं, आपके इनर कोर के एरिया में, ये इनर कोर के एरिया में आते हैं, वैसे ही पी तरंगों की गति बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एरिया जो आपका है गुटेनबर्ग असाते से लेहमन असाते के बीच का जो एरिया है जिसे हम आउटर कोर कहते हैं, ये आपका ठोस अवस्था में नहीं है, तभी तो एस तरंगें विलुप्त हो जा रही है। और ये एरिया चूंकि यहाँ पी तरंगों की गति अगर बढ़ रही है इनर कोर में, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनर कोर ठोस अवस्था में है। यही है आपका जो पी और एस तरंगों का वक्राकार मार्ग। अब देखिए, पी तरंगे क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। पी जब भूकंप आएगा तो सबसे पहले झटके जो होंगे वो लगेंगे आपके, तो ऐसे ऐसे हिलेगा, ठीक है। तो जब एस तरंगे आएंगी तो आपको ऊपर नीचे हिलाएंगी। और सबसे खतरनाक होती है एल तरंगे, जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी तरंगे आएंगी तो आप आगे पीछे हिलेंगे, फिर एस तरंगे आएंगी तो आप ऊपर नीचे हिलेंगे, और जब एल तरंगे आएंगी तो ये तरंगे दोनों का मिश्रण है, ये आपको ऐसे ऐसे भी हिलाएंगी, ऐसे ऐसे भी हिलाएंगी, तो आप ऐसे 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 हिलेंगे। इस वजह से लास्ट में जब एल तरंगे आती हैं तो सबसे अधिक क्षति होती है मकान को लेकर और हर एक चीज में, क्योंकि वो आपको अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार से हिला कर रख देती है। पी तरंगे जो है वो क्रस्ट और मेंटल में आ रही है, इसका मतलब है कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में है, क्योंकि ये दोनों ठोस में चलती है। और यहां पर अगर एस तरंगे गायब हो गई हैं, इसका मतलब ये निकला, इसका अर्थ ये निकला कि जो बाह्य कोर के पदार्थ हैं वो आपके तरल अवस्था में हैं, और यहां पर पी तरंगों की गति बढ़ जाती है, इसका निष्कर्ष से निकलता है कि इनर कोर के पदार्थ भी ठोस अवस्था में है। तो इससे भूकंप शास्त्र के अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि अंदर की परतों पर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, यहां से यहां तक के पदार्थ ठोस अवस्था में है, आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में है, और इनर कोर अत्यधिक ठोस अवस्था में है, क्योंकि वहां पर गति पी तरंगों की तीव्र बढ़ जाती, पी तरंगों की गति में तीव्र वृद्धि होती है। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन हमने देखा। अब देखिए, भूकंप के आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें हैं, ये हमारी पृथ्वी है,
हमने ये पार्ट निकाला था, ये वो पार्ट है। चलिए देखते हैं कितनी लेयर है इसमें। तीन लेयर है, एक है लिथोस्फीयर, एक है पायरोस्फीयर, एक है बैरिस्फीयर। अब देखो लिथोस्फीयर लगभग है, ये लगभग 100 किलोमीटर है क्रस्ट सतह से, लगभग 100 किलोमीटर नीचे लिथोस्फीयर है। 100 किलोमीटर से लगभग 2880 या 2900 किलोमीटर तक पायरोस्फीयर है, और उसके आगे 2880 या 2900 किलोमीटर से आगे केंद्र तक आपका बैरिस्फीयर है। अब देखिए आपका लिथोस्फीयर में क्या आता है, तो क्रस्ट पूरा, ये आपका क्रस्ट वाला पार्ट है, क्रस्ट के बाद ये मेंटल वाला पार्ट है, यहां से यहां तक ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, तो पूरी क्रस्ट ले लिए, और मेंटल का ऊपरी वाला पार्ट अपर मेंटल, तो ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। इसका घनत्व लगभग 3.5 है। अब देखिए जो मेंटल का लोअर वाला पार्ट बचा है उसे हम बोलते हैं पायरोस्फीयर, और जो पूरा आपका कोर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं बैरिस्फीयर। जो अपर मेंटल वाला पार्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल में अपर मेंटल लोअर मेंटल, जो अपर मेंटल वाला पार्ट है उसे हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, क्योंकि इसके पदार्थ जो है वो अर्ध तरल अवस्था में है, बिल्कुल ठोस नहीं है, अर्ध तरल अवस्था में है। इसके जो अपर मेंटल वाले पदार्थ है तो अर्ध तरल अवस्था में है, इसी वजह से इसको हम एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल बोलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, रेड वाला बटन दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।